बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अक्सर क्वेश्चन ये सवाल करते हैं हमारे, मतलब जब आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हमारी कौन सी किस्म की पथरी है, और या मुख्तलिफ पेशेंट ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब बार बार क्यों बन जाती है हमारी पथरी बार बार बन रही है, तो इससे बड़े वरीड होते हैं। तो उनके बारे में ये वीडियो इंशाल्लाह काफी जो है ना हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूरिनरी और रीनल स्टोन्स, और दूसरा है रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन, यानी पथरी बार बार क्यों बनती है। तो अगर हम टाइप को देखें तो सबसे जो है ना पहले इंपॉर्टेंट है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो कि 80% तकरीबन या 80% से भी ज्यादा लोगों में जो गुर्दे की पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की होती है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं जो 5 से 10% लोगों में होते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड के स्टोन हैं जो अगेन 5 से 10% लोगों में पाए जाते हैं। फिर एक टाइप है स्ट्रोवाइड या इन्फेक्शियस स्टोन, या उसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी हम कहते हैं। ये जो है 2 से 10% में, बाग लिटरेचर में आप 20% तक भी जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं। और सबसे जो कम है वो है 1% सिस्टीन स्टोन का, या अदर रेयर टाइप्स ऑफ मेडिकेशन स्टोन है, या सिलिका वगैरह और ट्राइमेट्रिन जिसमें आते हैं, तो वो लेस देन 1% में आते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की हमारी टाइप्स हैं स्टोन्स की, जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी किस्म की पथरी है। तो ये आमतौर पर हमें पता चलता है जब एक पथरी निकल आती है, खुद ब खुद निकल आए दवाई के साथ, या फिर वो जो है कोई ऑपरेशन किया उसने और वो स्टोन रिट्रीव किया, तो उसका जब हम स्टोन एनालिसिस करते हैं तो तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि किस किस्म की पथरी थी। तो इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा और भी है जो मेरे जहन में अभी आया है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो कौन सी पथरी है जो खुद ब खुद हल हो जाती है या टूट जाती है। तो उसमें जो है यूरिक एसिड का जो स्टोन है ये सॉफ्ट स्टोन होता है, और ये जो है डिजॉल्वेबल स्टोन है, मतलब इसको आप हल किया जा सकता है दवाई के साथ और पानी के इंटेक के साथ और परहेज के साथ, मतलब इसको बगैर किसी सर्जरी के या बगैर किसी और उसके इंटरवेंशन के, ये पथरी यूरिक एसिड की अगर आपकी है तो वो हल हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो ये भी इंशाल्लाह इसमें ऐड हो गया। और दूसरा जो है इसमें हमारा टॉपिक है वो है रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन, के बार बार डॉक्टर साहब हमारी पथरी क्यों बनती है।